नमस्कार, बोल के लब आजाद है तेरे, मैं अभिसार शर्मा। दोस्तों, मैं चाहूंगा आप इस वीडियो को देखिए। आखिरकार सोनिया गांधी राहुल गांधी के साथ उनके भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हो गई हैं, और इसमें आप देख सकते हैं राहुल गांधी अपनी मां को समझा रहे हैं कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप वापस जाकर गाड़ी में बैठ जाइए। यहां पर हाथ बाकायदा वो पकड़ रहे हैं और उन्हें कह रहे हैं जाइए, मां मना कर रही है लगातार, कह रही है कि तेरे साथ मैं भी इस भारत जोड़ो यात्रा में चलूंगी। अपने आप में बहुत दिलचस्प तस्वीर है, बहुत ही दिलचस्प वीडियो। और आखिरकार राहुल गांधी जो हैं वो कामयाब हो जाते हैं और अपनी मां को पीछे बिठा देते हैं। कांग्रेस के नेता इस तस्वीर को बता रहे हैं कि राहुल गांधी और उनकी मां के बीच जो पूरा इंटरेक्शन है वो कितना सहज है। ना कोई ताकत, ना कोई अदावत, और चाहे पूरा सिस्टम ही क्यों ना चाहे, तेरे बोल पर अंकुश नहीं डाल सकते। बोल इलाहाबाद आजाद है तेरे। आज बोल के लब आजाद है तेरे में न सिर्फ हम इस मुद्दे की चर्चा करेंगे कि किस तरह से राहुल गांधी के साथ अब उनकी मां भी शामिल हो गई हैं भारत जोड़ो यात्रा में, कम से कम आज के दिन। दूसरा, महिला सम्मान के ऊपर सरसंघ चालक मोहन भागवत का बयान, मगर उस बयान में जबरदस्त दोहरे मापदंड है। मगर दोस्तों, सबसे पहले मैं चाहूंगा आप इस तस्वीर को देखिए। आखिरकार सोनिया गांधी जो हैं वो शामिल हो गई हैं राहुल गांधी के साथ। कर्नाटक के मांड्या से, जी हां, मांड्या से वो शामिल हुई, और जब वो इस यात्रा में शामिल हो रही थी तो एक तरफ सिद्धरमैया थे जो कि कर्नाटक में मुख्यमंत्री पद के दावेदार, और दूसरी तरफ डीके शिवकुमार थे, गांधी परिवार के करीबी, और वो भी अपने आप को भविष्य में कर्नाटक के मुख्यमंत्री के तौर पर देखते हैं। यकीनन ये जो तस्वीर सामने उभर कर आ रही है इससे कर्नाटक में कांग्रेस मजबूत होगी। मगर आज जब वो अपनी मां के साथ दिखाई दिए और जिसकी झलक मैंने कार्यक्रम की शुरुआत में आपको बतलाई, ये तस्वीर मुझे ऐसा लगता है कि इसका असर सिर्फ कर्नाटक तक सीमित नहीं रहने वाला है। दोस्तों, यकीनन दक्षिण भारत में राहुल गांधी को जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली है। आपको याद है केरल से यात्रा शुरू हुई और उसके बाद तमिलनाडु, और आपने दोनों ही राज्यों में देखा राहुल को किस तरह की प्रतिक्रिया मिल रही है, और आज सोनिया गांधी इस यात्रा में उनके साथ शरीक हुई। जाहिर सी बात है कांग्रेस के लिए ये एक बहुत बड़ा आयोजन है, क्योंकि आप जानते हैं कि कांग्रेस के लिए जो है कांग्रेस गांधी परिवार से शुरू होकर वहीं खत्म हो जाती है। मैं आपको बतलाना चाहता हूं दोस्तों इस मुद्दे पर क्या कहना है कांग्रेस का, उन्होंने क्या ट्वीट किया है आपके स्क्रीन्स पर। जो प्रण लिया है पीछे नहीं हटेंगे, लाख मुश्किल आए हम भारत जोड़ेंगे, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा में। अब जाहिर सी बात है कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत पीछे कैसे रहती, उनके ये दो ट्वीट्स आपके स्क्रीन्स पर। सोनिया गांधी का नाम है साहस, कर्तव्य और करुणा। भारत जोड़ो यात्रा में उनका यह कदम इस देश की अखंड एकता और बेहतर कल के नाम। सुप्रिया श्रीनेत आगे क्या कहती हैं आपके स्क्रीन्स पर, इस देश के मूल्यों और परंपराओं को आत्मसात करने का नाम सोनिया गांधी है। आज उनके आने से भारत जोड़ने का संकल्प और प्रबल हुआ। यकीनन राजनीतिक मैसेजिंग का खेल है, यानी कि संदेश जनता तक पहुंचे। यहां पर आप देख सकते हैं राहुल गांधी अपनी मां को समझा रहे हैं कि आप गाड़ी में जाकर बैठिए, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, और आखिरकार वो अपनी मां को मना लेते हैं। कांग्रेस ही उम्मीद कर रही है कि ये भारत जोड़ यात्रा उसे वापस 2009 या 2004 के दौर में पहुंचाएगी जब उसने सरकार बनाई थी कई दलों के साथ मिलकर, क्योंकि कांग्रेस ये उम्मीद कर रही है कि 2024 में कम से कम 150 सीटें उन्हें मिलेंगी। मगर वो जानते हैं कि उनका मुकाबला है इस शख्स के साथ, देश के सबसे लोकप्रिय राजनेता, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बहरहाल आज जब राहुल गांधी अपनी मां के साथ उतरे तो मैंने देखा कि भाजपा के प्रचार तंत्र में कई लोग हर बार की तरह उलूल जुलूल टिप्पणियां कर रहे थे। कुछ लोग यह भी कह रहे थे कि भाई राहुल गांधी इमोशनल कार्ड खेल रहे हैं, अपनी मां को लेकर आए हैं। अब इसमें दो दिक्कतें हैं दोस्तों। सबसे पहले हम यह नहीं भूल सकते कि सोनिया गांधी जो हैं वो एक राजनीतिक व्यक्ति हैं, वो यूपीए की संयोजक रही हैं,
एक जमाने में वो देश की प्रधानमंत्री बनने वाली थी और अब भी कांग्रेस की अध्यक्ष हैं। यकीनन वो राहुल गांधी की मां हैं, मगर जैसे कि मैंने कहा कि वो यूपीए की संयोजक रही हैं, कांग्रेस की अध्यक्ष भी हैं, लिहाजा वो एक राजनीतिक किरदार हैं। भारतीय जनता पार्टी को किस सवाल का जवाब देना है मैं आपको बताता हूं। आपने देखा होगा कि किस तरह से नोटबंदी के दौरान प्रधानमंत्री की जो माताश्री हैं वो जो है लाइन में खड़ी हुई, वीडियो के सामने, तस्वीर के सामने, कैमरा के सामने। यही नहीं, प्रधानमंत्री जब भी अपनी मां से मिलते हैं तो अकेले में नहीं मिलते हैं, उनके साथ कैमरा जरूर होता है। जबकि उनकी जो मां हैं वो गैर राजनीतिक हैं, उनका राजनीति से कुछ भी लेना देना नहीं है, मगर प्रधानमंत्री उनसे जब भी मिलते हैं कैमरा की मौजूदगी में मिलते हैं। सीधा सा सवाल, जब प्रधानमंत्री की मां गैर राजनीतिक हैं तो वहां पर कैमरे की क्या जरूरत है? और बात वहां नहीं रुकती है। मैं तो नहीं भूला हूं, एक बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी मां से मिलने गए थे, तब कैमरा नहीं पहुंचा था तो पहले कैमरामैन अंदर घुसा, उसके बाद प्रधानमंत्री अंदर घुसे। लिहाजा जो लोग इस तस्वीर पर हमला बोल रहे हैं जिसमें राहुल गांधी अपनी मां के साथ चल रहे हैं, उन्हें इन सवालों का जवाब जरूर देना होगा। बहरहाल, जैसे मैंने कहा, जब आप अपनी मां के साथ होते हैं या आपका निजी विषय होता है, खासकर जब आपकी मां एक गैर राजनीतिक शख्सियत हो। दोस्तों, आज कार्यक्रम में जो एक और मुद्दा मैं उठा रहा हूं जिसका नाता कहीं ना कहीं इस खबर से भी है जो मैं आपको दिखा रहा था, क्योंकि मुझे आपको ये बतलाने की कतई जरूरत नहीं है कि भाजपा के प्रचार तंत्र ने हमेशा से सोनिया गांधी पर बहुत ही अश्लील हमला किया है। आपको याद करना होगा कि हमारे खुद के प्रधानमंत्री ने सोनिया गांधी के लिए एक बार जर्सी काउ शब्द का इस्तेमाल किया था। बात वहां नहीं रुकी, कांग्रेस की वो कौन सी विधवा है ये भी एक बार उन्होंने अपने भाषण में कहा था। हालांकि मेरे पास इस बात के कोई प्रमाण नहीं है कि मोदी जी कांग्रेस की विधवा जो है वो सोनिया गांधी के लिए कह रहे थे या किसी और के लिए। खैर, मोदी जी ने तो शशि थरूर की जो स्वर्गीय पत्नी हैं, मरहूम पत्नी हैं सुनंदा थरूर, उनके बारे में 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड भी कहा था। तो खैर, वो बात अलग है। तो आज हम बात महिला सम्मान की कर रहे हैं और महिला सम्मान के ऊपर मोहन भागवत ने एक बयान दिया है, मगर उस बयान से पहले आपको ये तस्वीर देखनी होगी। यहां पर आप देख सकते हैं कि महिलाओं के हाथों से मोहन भागवत के पैर धोए जा रहे हैं। बताइए साहब, क्या आपको इसमें महिला सम्मान दिखाई दे रहा है? क्या आपको इसमें महिला की बराबरी दिखाई दे रही है? हालांकि अंधभक्त इसे भी जायज ठहराने के लिए आ जाएंगे। खैर, मोहन भागवत ने महिला सम्मान के ऊपर क्या कहा है और उसके बाद मैं आपको यह भी बतलाना चाहूंगा कि उन्होंने जनसंख्या यानी आबादी के ऊपर क्या कहा है और उसमें भी उनके दोहरे मापदंड है, ये मैं आपको बताना चाहता हूं। महिला सम्मान पर मोहन भागवत का बयान। मोहन भागवत ने क्या कहा आपके स्क्रीन पर? आरएसएस के कार्यक्रम में महिलाओं की भागीदारी डॉक्टर साहब यानी डॉक्टर हेडगेवार के वक्त से ही हो रही है। अनुसुईया काले से लेकर कई महिलाओं ने आरएसएस के कार्यक्रमों में हिस्सेदारी ली। वैसे भी हम आधी आबादी को सम्मान और उचित भागीदारी तो देनी ही होगी। उन्होंने कहा कि जो काम पुरुष कर सकता है वो सब काम मातृशक्ति भी कर सकती है, लेकिन जो काम महिलाएं कर सकती हैं वो काम पुरुष नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि महिलाओं के बिना समाज की पूर्ण शक्ति सामने नहीं आएगी। यह बयान दिया है मोहन भागवत साहब ने महिला सम्मान पर, और महिला सम्मान को लेकर तस्वीर मैं आपको दिखला ही चुका हूं किस तरह से औरतें सामने झुककर उनके पैरों को धो रहे हैं। यह पुरानी तस्वीर है, आज की तस्वीर नहीं है, मगर महिला सम्मान की एक बहुत दिलचस्प तस्वीर सामने उभर कर आती है। जनसंख्या के ऊपर मोहन भागवत बोले और उन्होंने जनसंख्या में बढ़ोतरी को चिंताजनक बताया और उन्होंने इस बात को लेकर भी चिंता जतलाई कि कुछ धर्मों में जिस तरह से आबादी बढ़ रही है वो बहुत चिंताजनक है। पहले तो जनसंख्या पर उन्होंने क्या कहा मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। जनसंख्या पर एक समग्र नीति बने, सब पर समान रूप से लागू हो, किसी को छूट नहीं मिले, ऐसी नीति लाना चाहिए। 70 करोड़ से ज्यादा युवा हैं हमारे देश में। चीन को जब लगा कि जनसंख्या बोझ बन रही है तो उसने रोक लगा दी। हमारे समाज को भी जागरूक होना पड़ेगा।
मोहन भागवत यहां नहीं रुके, उन्होंने जनसंख्या को धर्म से भी जोड़ दिया। आगे देखिए, बढ़ती हुई आबादी में हम धार्मिक असंतुलन को नजरअंदाज नहीं कर सकते। मोहन भागवत ने कहा, जनसंख्या जितनी अधिक होगी बोझ उतना ज्यादा होगा। अब जाहिर सी बात है कि जब उन्होंने धर्म को उससे जोड़ दिया तो उनका इशारा मुसलमानों की तरफ है। और असदुद्दीन ओवैसी इस मुद्दे में कूद पड़े हैं, उन्होंने भी बयान दिया है। मगर मैं आपका ध्यान मोहन भागवत के एक दूसरे बयान की तरफ खींचना चाहूंगा जो उन्होंने साल 2016 में दिया था। क्या बयान है, खुद पढ़ के सुनाना चाहता हूं। कौन सा कानून कहता है कि हिंदुओं की आबादी नहीं बढ़नी चाहिए? ऐसा कुछ भी नहीं है। जब दूसरों की आबादी बढ़ रही है तो उन्हें क्या रोक रहा है? मुद्दा व्यवस्था से संबंधित नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि सामाजिक वातावरण ऐसा है। यह बयान दिया था माननीय मोहन भागवत ने हिंदुओं की आबादी के बारे में। मोहन भागवत खुद कह रहे थे कि हिंदुओं को आबादी बढ़ानी चाहिए, और सिर्फ मोहन भागवत नहीं कह रहे थे, आरएसएस से जुड़े कई लोग कहते हैं। यही नहीं, संघ से जुड़ी कई संस्थाओं के कई नेता, कई कार्यकर्ता कहते हैं कि हिंदुओं को 5-5, 10-10 बच्चे करने चाहिए। इसलिए जब आप धर्म के आधार पर जनसंख्या की बात करते हैं तो इसमें दोहरे मापदंड साफ तौर पर दिखाई देते हैं। अब ओवैसी भी इस पे कूद पड़े, उनका क्या बयान है आपके स्क्रीन पर। यदि हिंदुओं और मुसलमानों का एक ही डीएनए है तो असंतुलन कहां है? जनसंख्या नियंत्रण की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि हमने पहले ही प्रतिस्थापन दर हासिल कर लिया है। आबादी और बेरोजगार युवाओं को लेकर है जो बुजुर्गों की सहायता नहीं कर सकते। मुसलमानों की प्रजनन दर में सबसे तेज गिरावट आई है। ओवैसी यहां नहीं रुके दोस्तों, उन्होंने मोहन भागवत पर हमला भी बोला है। उन्होंने कहा कि मोहन भागवत के लिए अब वो दिन आ गया है, ये सालाना दिन है जब वो नफरती बयान देते हैं, मुसलमानों के खिलाफ बयान देते हैं। उनका यह भी कहना है कि अगर देश की आबादी बढ़ रही है तो इसमें मुसलमानों का कोई योगदान नहीं है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि मुसलमानों की आबादी जो है वो स्थायी हो गई है। और स्वाभाविक सी बात है कि जब जनसंख्या पर बात हुई और जब ओवैसी भी उसमें कूद पड़े तो न्यूज़ चैनल्स को भी जहर फैलाने का मौका मिल गया, क्योंकि ये न्यूज़ चैनल्स कभी भी जनसंख्या पर कोई सार्थक चर्चा नहीं करेंगे। इन चर्चाओं के जरिए कहीं ना कहीं मुसलमानों पर ही निशाना साधना है। आपके सामने ये वाहियात न्यूज़ चैनल जिसका नाम जी न्यूज़ है, क्या ताल ठोक रहा है? मुसलमानों को हिंदू राष्ट्र कबूल है? आगे देखिए साहब, हिंदू राष्ट्र में मुसलमान, क्या प्लान? और इसी तरह से जनसंख्या के ऊपर अनाप शनाप बातें इस कार्यक्रम में कही गई। सिर्फ ये न्यूज चैनल नहीं था, कई न्यूज चैनल्स इसी मुद्दे पर विजयदशमी के मौके पर चर्चा कर रहे थे। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, बढ़ती जनसंख्या एक समस्या है, कोई नजरअंदाज नहीं कर रहा है, कोई इसे इनकार नहीं कर रहा है। मगर सीधा सा सवाल, क्या किसी भी न्यूज चैनल ने इस पर सार्थक चर्चा की? मुद्दा सिर्फ एक था कि उस पर भड़काऊ चर्चा करो, मुद्दा सिर्फ एक था कि मुसलमानों पर निशाना साधो, बस उसके अलावा कुछ नहीं। और अंत में मैं एक बात कहना चाहता हूं कि मोहन भागवत जब भी जनसंख्या या महिला सम्मान पर कुछ कहेंगे तो बीजेपी और आरएसएस के गिरबान में जरूर झांकेंगे, क्योंकि जहां तक महिला सम्मान की बात है, भारतीय जनता पार्टी के गुनाहों की दास्तान बहुत लंबी है। हाथरस आप सब जानते हैं, उत्तर प्रदेश की सरकार ने किस तरह का बर्ताव किया था, कुलदीप सिंह सेंगर ने किस तरह से एक लड़की की जिंदगी बर्बाद कर दी, वो कुलदीप सिंह सेंगर जो भाजपा का विधायक था। तो लंबी चौड़ी दास्तान है, और कौन भूल सकता है कठुआ को, एक 8 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म और फिर उसे मौत की घाट उतार दिया जाता है, और फिर बीजेपी के दो नेता, जी हां दो नेता जो हैं वो बलात्कारियों के पक्ष में, हत्यारों के पक्ष में रैली निकालते हैं। तो जब मोहन भागवत महिला सम्मान की बात करें तो कृपया भाजपा को भी नसीहत दें। और जनसंख्या पर तो मैं बता ही चुका हूं, क्योंकि खुद 2016 में मोहन भागवत कह रहे थे कि हिंदुओं को आबादी बढ़ाने से कौन रोक रहा है। इन तमाम बातों पर गौर जरूर कीजिएगा। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत, नमस्कार।